क्लास में कहाँ तक हो गया था? और रिव्यू टाइप पूरा हो गया था क्या? कहाँ तक हो गया था? कमेंट्स, कमेंट्स तक हो गया, आ गया था। आगे बता दे। अगला ऑप्शन है इसमें प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक। ठीक है, चेंजेस ग्रुप के अंदर हमने यहाँ पर होम टैब के अंदर आपने फॉर्मेट ऑप्शन में नीचे पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा था ये प्रोटेक्ट सीट वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन वो ही आप सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो उसके लिए आप जैसे प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। पढ़ा है आपने? बताइए किस किस ने पढ़ा है प्रोटेक्ट सीट वाला ऑप्शन, ये वाला। आप यहाँ पे किसी भी सीट के ऊपर जब राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आता है प्रोटेक्ट सीट वाला ऑप्शन, बताया था उन टाइम में, याद है? बोलिए। ठीक, आप फाइल पर जाइए और हम यहाँ से ओपन पर जा रहे हैं, हमारी जो सीट थी वो अपन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने ओपन कर ली। इसमें अपन जा रहे हैं रिव्यू टैब में, प्रोटेक्ट सीट। अभी आप देख रहे हैं आपके सामने ये जो आपका डाटा है, आप इसको क्या कर पा रहे हैं? चेंज कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई हमारा डाटा चेंज ना कर पाए, तो उसके लिए आप अपनी सीट को पासवर्ड दे सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट, मतलब जब आप इसको अनप्रोटेक्ट करें, जब आप इसको खोलें, जब आप इसमें कोई एडिटिंग कर पाए तो वो पासवर्ड दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे और ओके कर देंगे। उसी पासवर्ड को आपसे आपको डबल से रिपीट करना है और ओके कर देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, अनप्रोटेक्ट सीट, और यहाँ पर होम, इंसर्ट, और आप पेज लेआउट सभी ऑप्शन देखेंगे कि हाईलाइट नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं? नहीं लिख सकते क्योंकि अपन ने क्या कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया है। कहीं पर भी आप कुछ भी लिखना चाहते हैं नहीं लिख सकते। द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंजेस इज ऑन अ प्रोटेक्टेड सीट। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, आप खाली जगह में भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि आपने पूरी सीट को क्या करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है। अगर आप दूसरी सीट पर जाकर कुछ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो सीट आपने प्रोटेक्ट की है उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको रीनेम, डिलीट, इंसर्ट ये तो कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, जब आपको कुछ वर्क करना है, आप चाह रहे हो कि कोई हमारी सीट में कोई करेक्शन ना कर दे, तो आप क्या कर सकते हो, उस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप आ गए हो वापस, आपको इसमें कोई डाटा है आपका और इसको आपको क्या करना है, काम करना है इसके ऊपर, अगर आप इसको कंट्रोल से सेव कर दोगे और बाद में ओपन करोगे तब भी ये पहले पासवर्ड मांगेगा, तभी आप इसमें कोई भी वर्क कर पाएंगे। ठीक है, जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आप रिव्यू टैब पर जाकर कर सकते हैं या फिर उसी शीट के ऊपर राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट सीट ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करने से भी वही ऑप्शन आता है, आप पासवर्ड डालेंगे और ओके करेंगे। अब आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको चेंजेस करने कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है आप ऐसा पासवर्ड दीजिए जो आप वो याद रख सके, क्योंकि अगर आप इसमें पासवर्ड भूल गए तो कोई तरीका नहीं है पासवर्ड को फॉरगेट करने का। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर भी प्रोटेक्ट का ऑप्शन आ गया, पहले अनप्रोटेक्ट का आ रहा था, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट वर्क बुक। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सीट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, सीट कौन सी है, ओनली ये वाली। हम अब क्या करना चाहते हैं, पूरी वर्क बुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम प्रोटेक्ट वर्क बुक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे, ओके करेंगे, और उसी पासवर्ड को डबल से रिपीट करेंगे और ओके करेंगे। अब इसमें आप कुछ भी लिखना चाहते हो लिख तो सकते हो, एडिटिंग जो भी करनी है कर तो सकते हो, लेकिन आप इसमें कोई शीट इंसर्ट नहीं कर सकते, आप इसमें से कोई शीट डिलीट नहीं कर सकते, रीनेम नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, ना ही उसमें कोई इंसर्ट कर सकते हो, और ना ही कोई शीट को आप हाइड कर सकते हो। और आप होम पर जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सभी यूज कर सकते हो, आप इंसर्ट होम वाले सभी ऑप्शन यूज कर सकते हो, बस आप इसमें क्या नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कोई रीनेम नहीं कर सकते, ये सब आप ऑप्शन यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो इसका क्या यूज है, इसका यूज ये है, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्रोटेक्ट सीट वाला ऑप्शन,
इसमें क्या था कि आप सीट तो प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई चाहे तो आपकी सीट को डिलीट कर सकता है, या फिर रिमूव कर सकता है, या रीनेम कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों पासवर्ड दे दो, फिर ना तो कोई रीनेम कर सकता है, ना मूव कर सकता, और ना ही आपकी सीट में कोई चेंजेस कर सकता। ठीक है, आप इस ऑप्शन पर जाएंगे, पासवर्ड डालेंगे और ओके कर देंगे। ठीक, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो साइन है आ रहा है, आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो, राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है शेयर वर्कबुक। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप शेयर कर सकते हो वर्कबुक को। इसमें कुछ पासवर्ड वगैरह इसलिए ये मना कर रहा है कि आप इसको शेयर नहीं कर सकते। अपन दूसरी सीट ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये शीट है, आप रिव्यू में जाएंगे, शेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए ऑप्शन आ गया, इसमें आपके पास जितने भी यहाँ पर यूजर्स होंगे वो आपको यहाँ पर शो करा देंगे। ठीक है, आप अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम। जैसे कि आप क्या चाहते हैं कि आपके पास एक से ज्यादा वर्कर्स हैं, आप उन सभी के साथ एक ही सीट शेयर करना चाहते हैं, एक ही पर सभी वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन शेयर करने की जरूरत नहीं, आप इसी के माध्यम से, एक्सेल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आपने आप क्या करेंगे, यूजर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाता है, आप ओके कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। अब आप इसमें जो भी कोई भी करेक्शन करेगा कर सकता है, सभी मतलब एक से ज्यादा जो यूजर्स हैं वो करेक्शन कर सकते हैं। अब ये चीज आपको आगे जाकर थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। शेयर वर्कबुक से आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं शेयर है, आप प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट सीट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, और आप यहाँ पर देखेंगे बाकी सभी ऑप्शन क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, कुछ ऑप्शंस नहीं हो रहा है लेकिन इसमें। ठीक है, तो अभी आपको इसको क्या करना है, शेयर नहीं करना, बताना है आपने थोड़ी देर के लिए शेयर किया है कि आपको डाटा चेक करना है हमारा, या फिर करवाना है आपका, तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, या मतलब आप अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे ही किसी अदर व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे आपको क्या करना है, इसको चेक करवाना है कि आप हमारे सबको देख लीजिए, इसमें जो भी कुछ भी करेक्शन तो नहीं करना, या फिर सही फॉर्मेट बनाया जो भी। ठीक है, आपको इसकी शेयरिंग बंद करनी है। शेयर वर्क बुक पर जाएंगे, यहाँ से अपन क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, और फिर यहाँ से यस कर देंगे, तो ये शेयर थी अब नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्क बुक। हमने आपको एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस वाला ऑप्शन बताया था, रिव्यू टाइम में ही आपने पढ़ा था कि अगर आप या कोई भी व्यक्ति कुछ भी चेंजेस करता है आपकी सीट में, तो वो रेड हो जाता है, पता लग जाता है आपको। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो ही ऑप्शंस वो ये आपको यहाँ पर मिलते हैं। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्क बुक पर जा रहे हैं, यहाँ पर हम शेयरिंग विथ ट्रैक चेंजेस पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है, तो अपन दे देते हैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड, ओके, उसी पासवर्ड को डबल से रिपीट करना है और ओके। ठीक है, अपन यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब अभी क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, सीट को प्रोटेक्ट कर दिया, क्या लिखा हुआ है, अनप्रोटेक्ट एंड शेयर, किसी व्यक्ति के साथ ये सीट क्या हो गई, शेयर हो गई। अब वो इसमें कोई चेंजेस करता है, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चेंजेस करता जा रहा नहीं आ रहा समझ में। अब आपके पास आई सीट, आपको पता लगाना है कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, तो आप क्या करेंगे, एडिट, ये ट्रैक चेंजेस वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर जाएंगे, यहाँ पर हाईलाइट चेंजेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ से ओके करना। देखिए जहां जहां कोई भी चेंजेस किए हाईलाइट कर रहा है वो। ठीक है, कब अनप्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे पासवर्ड दे देंगे, जो भी आपको पासवर्ड दिया था, ओके करके यस कर। ठीक है, अभी इतना आया समझ में, इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, आपकी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और इसके अलावा व्यक्ति जो भी कुछ भी चेंजेस करेगा वो आपको क्या होगा, पता लग जाएगा। यहाँ पर अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे आप दो तरह से पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पर, ये आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट के अंदर आपने बहुत सारे फॉर्मूले लगा लिए, आप क्या चाहते हो, आपने किसी वर्कर को काम दिया है कि आपको क्या करना